गेमर वेलकम बैक। तो आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि माइनक्राफ्ट की फाइल हम इंपोर्ट कैसे करें माइनक्राफ्ट में। यस, एंड मैंने आप सभी को बताया था कि मैंने आप सभी को मोड दिए थे कि माइनक्राफ्ट के ऊपर, तो मैं आप सभी को बता देता हूँ कि कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं, खेल सकते हैं, तो मैं पूरी दिखाने वाला हूँ। तो शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। तो फटाफट से आपको पहले लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर जेड आर्चीवर को डाउनलोड कर लेना होगा एंड उसे ओपन करना होगा। एंड आपके पास जेड आर्चीवर नहीं है तो कोई टेंशन नहीं आपके लिए, आपको कुछ नहीं करना है, अपने फाइल मैनेजर में ही रहना है। जिस फाइल को आपने डाउनलोड किया उस पर ऐसे आ जाना है एंड जो भी देखो गाइस, जो भी डॉट जिप होगा, जैसे ये मेरी फाइल का डॉट जिप है, तो इसको आपको क्या करना होगा, इस पर क्लिक करना होगा एंड क्लिक करने के बाद यहाँ रीनेम पे क्लिक कर देना होगा, यहाँ पे डॉट जिप हटा देना होगा। तो जैसे ही मैं यहाँ डॉट जिप हटा देता हूँ एंड देख सकते हो ये हमारी फाइल बन चुकी है एमसीपी की। एंड ये सब गाइस आधी तो मैंने ऐसे दे रखे है, डायरेक्ट उस पर क्लिक कर देना होगा एंड आपकी डायरेक्ट खुल जाएगी। एंड डॉट जिप के साथ में भी है तो आप डॉट जिप को हटा देना, वो फाइल मैनेजर से ही हो जाएगा। मैं आप सभी को दिखा देता हूँ, इस फाइल मैनेजर से आपका हो जाएगा, आपके में जरूर होगा। कि यहाँ पे मैं फाइल मैनेजर में चला जाता हूँ एंड ये देख सकते हैं F5 बटन एंड इस पर जैसे आपको इस पर क्लिक कर रखना होगा एंड यहाँ 3 डॉट पे जाता हूँ, यहाँ रीनेम का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से डॉट जिप हटा देना होगा। पर मेरे को डॉट जिप नहीं हटाना है एंड ये देख सकते हो अभी तो मैं यहाँ हूँ। एंड आपको इसे इम्पोर्ट करना है तो आपको मतलब सीधे ही आपको डॉट जिप हटाने के बाद इस पर क्लिक कर देना होगा अपनी फाइल पर एंड भी इस पर क्लिक कर देना होगा, सॉरी गाइस वेट, इस पर क्लिक कर देना होगा एंड यहाँ डॉट पर क्लिक कर देना होगा एरो पर एंड यहाँ से आपको अपनी माइनक्राफ्ट क्लिक कर देना होगा। पता नहीं क्या हो रहा है आज, तो पता नहीं है इस जेड आर्च पर मैं क्यों नहीं ऑन हो रहा। तो मैंने फाइल मैनेजर को ओपन कर लिया एंड आपके पास भी फाइल मैनेजर होगा, तो मैंने फटाफट से अपनी फाइल लगा ली है एंड ये फाइल है। आपको इस पर सिंपली क्लिक कर देना होगा डॉट जिप को हटाने के बाद, जिसके मदद से आपकी इम्पोर्ट स्टार्ट मतलब वैसे हो जाएगी, जैसे आपको एमसीपी में पहुंच जाएगी वो। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपकी ऑटोमेटिकली माइनक्राफ्ट खुल जाएगी। यहाँ पर देख सकते हो मैंने बड़े स्क्रीन कर दिया आपको साफ साफ दिखाई दे। यहाँ पे लोडिंग को लेने देते हैं फटाफट से, ले भाई जल्दी हो, यहाँ पे लोडिंग ले रहा है, अभी लोडिंग लेने देते हैं। तो गाइस आप देख सकते हो हमारी माइनक्राफ्ट ओपन हो चुकी है एंड यहाँ पे इंपोर्ट स्टार्टिंग हो चुकी है एंड ये देख सकते हो इंपोर्ट हो चुका है। तो यहाँ पे आपको फिर सेटिंग्स पे क्लिक कर देना होगा, सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर वेट करना होगा थोड़ा सा, भाई माइनक्राफ्ट बहुत ही ज़्यादा वेट करवाते पता नहीं क्यों। चलो ये हो चुका है एंड आपको यहाँ पर जाना होगा रिसोर्स पैक पे एंड माई पैक्स पर जाना होगा एंड इस पर क्लिक करके यहाँ एक्टिवेट पे क्लिक कर देना होगा एंड यहाँ एक्टिवेट पे मैं आप सभी को दिखा देता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है मतलब इस पर डल चुका है, आप कभी भी वर्ल्ड में लगा सकते हो इसकी मदद से। और यही है गाइस आज के लिए, अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना एंड चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना ऐसी न्यू वीडियोज़ के लिए। और मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू नेक्स्ट टाइम एंड